आज हम लोग स्टैटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग मीन, मीडियन और मोड के बारे में जानेंगे, कैसे निकाला जाता है। ये पूरा वीडियो आपका मीन, मीडियन और मोड के ऊपर डिपेंड होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश तिवारी, हमारे इस चैनल स्कूलमेट ई लर्निंग में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग मीन, मीडियन और मोड की बात करने वाले हैं, जो आपका क्लास 10 से लिया गया है। नॉर्मली मीन, मीडियन, मोड आपका क्लास 9 में भी है, लेकिन क्लास 9 में आपको बेसिक्स मिलेंगे और क्लास 10 में आपका डीपली जाना होगा, जिसके बारे में हम आपको समझाएंगे, बताएंगे, जिससे कि आप भी इजीली मीन, मीडियन और मोड है जो फाइंड कर सकते हैं। नॉर्मली मीन की बात करते हैं सबसे पहले हम लोग, तो मीन जो है थोड़ा सा आपका डिफ़िकल्ट होता है। हम लोग बचपन क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं एवरेज, और हम कह सकते हैं कि एवरेज जो है आपका मीन का कॉपी है। जिस तरह से आप एवरेज निकालते हैं, उसी तरह से आपका मीन निकलता है। फिर भी आपका डिफरेंस मिल जाएगा, वो डिफरेंस ये होगा, वो डिपेंड करता है डेटा के ऊपर कि एवरेज में डेटा जो है वो दूसरे टाइप का होता है, और मीन में जब भी आपको डेटा मिलेगा आपका ग्रुप्ड मिलेगा, और नहीं तो फिर नंबर में मिलेगा, जो हम लोग को निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो मीन की हम बात कर लेते हैं। मीन में जो आपको डेटा मिलेगा, वो डेटा आपको इस तरह से मिल सकता है, 2, 5, 3, 6, 7, 2, 5, 8, 9, 2, 5, इस तरह से डेटा मिलेगा। और दूसरा आपका ग्रुप्ड डेटा होता है। ग्रुप्ड डेटा का मतलब क्या हुआ कि आपको इस तरह से दिया रहेगा 10 to 20, 15, 20 to 30, 4, 30 to 40, 6, 40 to 58। अब इन दोनों डेटा की हम बात करें तो ये डेटा और इस डेटा में थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा। ये आपका ग्रुप्ड डेटा है, मतलब क्या कहता है, इसका मीनिंग निकलता है 10 से लेकर 20 तक कितना है, 15 है। 20 टू 30 जो है आपका 4 है, 30 टू 40 6 है, 40 टू 50 आपका 8 है। इसमें आपका डेटा जो है वो आपका फिक्स्ड है, 2 मतलब ओनली 2, 3 का मतलब 3, 4 का मतलब 4, पर यहाँ पर आपका डेटा फिक्स नहीं है, यहाँ पर आपका सिर्फ रेंज दिया हुआ है 10 to 20, 15। वो 10 to 20 में आपका 11 भी हो सकता है और 19 भी हो सकता है। जो डेटा है आपका कहाँ से कहाँ तक है, 10 to 20 तक है। इसमें हम बात कर लें तो इसमें आप जो मीन निकालेंगे, जितना डेटा है इन सारे डेटा को आप ऐड करते हैं, जो आपका नॉर्मली 9th क्लास में दिया हुआ है, ये सारे डेटा को आपको ऐड करना है और नंबर ऑफ टर्म से आपको डिवाइड करना है। लेकिन इस केस में हम लोग को अलग तरीके का यूज़ करना पड़ता है, जो फॉर्मूला बेस्ड होता है, और उसी फॉर्मूला के बेस पर हम लोग जो है मीन जो है फाइंड करेंगे। अब मीन जो है आपका 3 तरीके से निकाला जा सकता है। जो मीन है आपका 3 तरीके से निकाला जा सकता है, या मीन का 3 टाइप होता है। पहला की बात करें तो आपका एक आपका डायरेक्ट मेथड है, दूसरा जो है आपका एज्यूम मीन मेथड, और लास्ट वन जो है आपका स्टेप डेविएशन मेथड है। ये 3 मेथड है जिसके थ्रू हम लोग मीन निकालते हैं। एक आपका डायरेक्ट मेथड है, एज्यूम्ड मीन मेथड है, और स्टेप डेविएशन मेथड है। फिर हम ये 3 मेथड का यूज क्यों करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड जो है इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, वेयर सिग्मा मीन्स सम ऑफ टर्म्स, एक्स आई मीन्स रेंज और डेटा, एफ आई मीन्स फ्रीक्वेंसी। मतलब ये निकलता है कि सिग्मा अगर आप कर रहे हैं तो सिग्मा का मतलब हो गया टोटल है कितना डेटा,
उसका टोटल सम करना। एक्साई जो होगा, जो आपका डेटा जो दिया हुआ है, जो रॉ डेटा आपका जो दिया हुआ है, वो रॉ डेटा के बारे में आपका बात करता है। और फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ नंबर ऑफ टर्म्स जो रिपीट होता है। अगर आपका कहीं पे दिया हुआ है टेबल 20 to 15 और यहां पर आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कितना, मान लीजिए 2 दिया हुआ है, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया कितना, 2। मतलब जो डेटा है आपका 20 से लेकर 15 तक कितना है, 2 है। अब हम एक्साई की बात करते हैं, तो एक्साई जो होता है वो आपका क्या होता है, लोअर डेटा प्लस हायर या अपर डेटा डिवाइड बाय 2। मतलब इसका एक्साई कितना हो जाएगा, तो 20 प्लस 15 डिवाइड बाय 2। 20 प्लस 15, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, 15 और 20 कर लेते हैं, 15 प्लस 20 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ से जो आपका डेटा आएगा, जो वैल्यू आएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, एक्साई हो जाएगा। ये आपका डायरेक्ट मेथड है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको निकालना है और उसके बाद हम लोग मीन जो है निकाल सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और ये आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है नंबर ऑफ रिपीटिशन। मतलब 0 to 10 के बीच में कितना डेटा है, 8 डेटा है, 10 to 20 के बीच में 12 है, 20 to 30 के बीच में 10 है, 30 to 40 के बीच में 11 है, इस तरह से आपका दिया हुआ है। तो ये सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, डायरेक्ट मेथड की हम बात कर रहे हैं, हम पहले बात कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड की। और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, तो मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। ये आपका डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है, सिग्मा एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पर हम लोग को ये डेटा मिला हुआ है, क्या दिया मिला हुआ है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम लोग को मिला हुआ है, हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, एक्साई निकालना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि एक्साई इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। जो हम लोग एक्साई निकालते हैं उसमें क्या करते हैं कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और डिवाइड बाय 2 करते हैं। अब ये लोअर लिमिट कौन सा है, तो आप क्लास इंटरवल को देखिएगा, क्लास इंटरवल में आपका जो डेटा छोटा है वो आपका लोअर लिमिट हुआ, जो बड़ा डेटा है वो आपका क्या है, अपर लिमिट हुआ। तो क्लास इंटरवल हम लोग निकालते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स आई इक्वल टू 0 + 10 डिवाइड बाई 2 कितना, 5, 10 + 20 डिवाइड बाई 2 कितना, 15, इसी तरह से आपका हो जाएगा 25, 35 एंड 45। ये हम लोग का क्या निकल गया, एक्स आई निकल गया। अब हम लोग फॉर्मूला पे आते हैं, यहाँ पर आपका दिया हुआ एक्स आई एफ आई, यहाँ पर हम लोग को एक्स आई भी पता है और एफ आई भी पता है, तो हम एक डेटा और निकाल सकते हैं एक्स आई और एफ आई का, एक्स आई और एफ आई का डेटा हम लोग निकाल सकते हैं। तो कितना हो गया, 8 5 = 40 180 250 385 और 405। ये आपका क्या हो गया, एक्स आई एफ आई का वैल्यू। फॉर्मूला में आपका सिग्मा की बात कर रहा है, तो हम लोग भी यहाँ पर क्या कर लेंगे, लास्ट में एक डेटा लेंगे, उसमें हम लोग सिग्मा एफ लिखे, सिग्मा एफ आई कितना हो गया, तो 20 30 41 और प्लस 9 कितना हो गया, 50। इसी तरह से हम लोग सिग्मा एक्स आई एफ आई की बात कर लेते हैं, ये कितना होगा, 220 470 770 कितना हो जाएगा, 1260। हम लोग का जो डेटा का जो वैल्यू है सिग्मा एफ आई का आ गया 50, सिग्मा एक्स आई एफ आई का आ गया 1260।
इस तरह से हम लोग का दोनों वैल्यू आ गया। अब हम मीन निकाल सकते हैं। मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई कितना हो गया 1260 डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई मतलब हो गया 50। इसको काट 25.2। ये हमारा क्या आ गया? मीन आ गया। हम किस मेथड से निकाले? डायरेक्ट मेथड से निकाले जिसका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। अब हम दूसरे मेथड की बात करते हैं जो आपका एज्यूम्ड मीन मेथड है। हम दूसरा मेथड की बात कर रहे हैं एज्यूम्ड मीन मेथड जिसका फॉर्मूला है मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। अब कुछ टर्म है, इस टर्म को हम लोग को जानना पड़ेगा। और टर्म पहला चीज ए क्या है, तो ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। डी की बात करें, डी आई का मतलब होता है डेविएशन। और बाकी आपका टर्म जो है वो आपका सेम है। जैसा कि आपका प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। ये आपका डेटा दिया हुआ है 50 to 50 to 18, 52 to 54 21। ये आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। इसी फ्रीक्वेंसी और डेटा के बेस पर हम लोग क्या निकालेंगे? मीन निकालेंगे। तो कैसे? सबसे पहले हम लोग क्लास मार्क की बात कर लेते हैं। क्लास मार्क मतलब एक्स आई 50 प्लस, पहले ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो 50 प्लस 52 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 51। इसी तरह से आपका 53, 55, 57, 59, 61 और 63। ये आपका क्या आ गया? क्लास मार्क आ गया हम लोग का। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग को एज्यूम्ड मीन लेना है। और एज्यूम्ड मीन किस में लेंगे? हम लोग क्लास मार्क में लेंगे। अब किस तरह से हम लोग एज्यूम्ड मीन लेंगे? तो सबसे पहले इन दोनों के इसके बीच का डेटा हम लोग को फाइंड करना है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की डेटा फाइंड करते हैं तो आपको कौन सा टर्म मिलेगा? बीच में आपका 57 मिल रहा है। इसका मतलब इसका एज्यूम्ड मीन कितना हो गया? 57 मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि 57 क्या हो गया? हमारा एज्यूम्ड मीन हो गया। कुछ केसेस में क्या होता है कि आपका बीच में आपका दो डेटा आ जाता है। तो कोशिश यही करना है कि जो बड़ा डेटा है उसी को हम लोग फाइंड करते हैं। इसके लिए क्या दिक्कत होती है कि जो आप निकालेंगे सिग्मा डी आई, जो आप निकालेंगे एफ आई डी आई जो निकालेंगे, कभी भी निगेटिव में नहीं आना चाहिए। अगर हम डेटा को वेरी करेंगे, मान लीजिए कि दो डेटा आ रहा है उसमें से छोटा या बड़ा डेटा हम ले लेते हैं, तो आपका क्या होगा कि जो डेटा आएगा, जो टोटल कैलकुलेशन आएगा, वो आपका निगेटिव में आएगा, जिसके कारण हम लोग का एग्जैक्ट मीन फाइंड नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों को ऐसा डेटा लेना है जिससे कि कोई भी हमारा वैल्यू निगेटिव में नहीं आए। जब हम इसको ऐड करें तो हमारा जो वैल्यू आना चाहिए वो निगेटिव में नहीं आना चाहिए। तो हम कर लेते हैं। सबसे पहले सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना होगा? ये आपका टोटल कितना हो गया? 150। सिग्मा एफ आई कितना हो गया हम लोग का? 150 हो गया। अब हम लोग डेविएशन की बात कर लेते हैं। डेविएशन का मतलब क्या हो गया? तो क्लास मार्क डिवाइड माइनस एज्यूम्ड मीन। डेविएशन का मतलब हो गया क्लास मार्क में से जब हम लोग एज्यूम्ड मीन को माइनस करते हैं तो आपका क्या कहलाता है? डेविएशन कहलाता है। तो हमारा एज्यूम्ड मीन कौन सा है? 57। मतलब 51 माइनस 57 कितना हो गया? माइनस 6, माइनस 4, माइनस 2, 0, 2, 4 एंड 6। ये हमारा क्या आ गया? डेविएशन आ गया। अब लास्ट हम लोग फॉर्मूला पर आएंगे। फॉर्मूला क्या कहता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। हम लोग को मिल चुका है ऑलरेडी, एफ आई भी मिल चुका है और हम लोग को क्या मिल गया? डी आई भी मिल चुका है। अब हम लोग एफ आई डी आई निकालेंगे। तो 18 मल्टीप्लाई माइनस 6 कितना हो गया? माइनस 108। 21 मल्टीप्लाई माइनस 4 कितना हो गया? माइनस 84।
उसी तरह से आपका 17 मल्टीप्लाई माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 34, ये आपका 0, इधर 32, ये आपका हो गया 140, और ये आपका हो गया 90। अब ये सारा डेटा हम लोग का आ चुका है, अब हम फॉर्मूला की बात करते हैं। फॉर्मूला आपका क्या कहता है, सिग्मा एफ आई डी आई और सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, अब हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोग को निकालना है सिग्मा एफ आई डी आई। माइनस 108 माइनस 84, ये आपका हो गया माइनस 192, 32, 140, आपका टोटल कितना हो गया 36। हम लोग का सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ गया, 36 आ गया। अब इस डेटा को हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, तो हम लोग लिखेंगे मीन इक्वल टू ए, ये कितना आया, एज्यूम्ड मीन हम लोग कितना माने थे 57। तो 57 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ गया 36, तो 36 डिवाइड बाय कितना हो गया 150। इसका मतलब हो गया 57 प्लस 2.24 इक्वल टू 57.24। ये हम लोग का क्या आ गया, मीन आ गया। जो एक्चुअल इस प्रॉब्लम का जो मीन आया वो कितना आ गया 57.24। अब इस तरह का जब भी आपको डेटा मिलेगा, अब बात यहाँ पर आता है कि हम किस में स्टेप डेविएशन मेथड यूज करें, किस में आपका एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करें और किस में आपका डायरेक्ट मेथड यूज करें। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप इसमें डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं तो कैलकुलेशन आपका लंबा जाएगा। अगर हम लोग इसके अलावा कोई और मेथड यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड आप यूज करते हैं तो कैलकुलेशन आपका लंबा जाएगा। तो कैलकुलेशन को छोटा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं। इस मेथड से आपका इजीली क्या हो गया, हम लोग का निकल गया, ये आपका हो गया एज्यूम्ड मीन मेथड। हम लोग जो है मीन की बात जब कर रहे हैं तो मीन में ऑलरेडी हम लोग दो मेथड पढ़ चुके हैं, जो पहला आपका है डायरेक्ट मेथड और दूसरा जो आपका है एज्यूम्ड मीन मेथड। ये दोनों मेथड ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये दोनों मेथड में जैसा भी आपको प्रॉब्लम मिले आप है जो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब तीसरा जो आपका आता है वो आपका आता है स्टेप डेविएशन मेथड। कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो बहुत लेंदी जाता है, अगर हम डायरेक्ट मेथड से बनाएं या एज्यूम्ड मीन मेथड से बनाएं, दोनों ही केस में आपका प्रॉब्लम लेंदी जा सकता है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करते हैं। इसमें करना क्या है, ये आपका प्रॉब्लम दिया हुआ है, प्रॉब्लम के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। ये प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसमें ये आपका क्लास इंटरवल है, ये आपका फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहला चीज़ जो है आपको ये पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो स्टेप डेविएशन मेथड का जो फॉर्मूला है वो आपका ये है, ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पर ए ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, ए दैट मीन्स एज्यूम्ड मीन, जो हम लोग नॉर्मली एक्स आई में लेते हैं, एज्यूम्ड मीन ऑलरेडी हम लोग उसमें ले चुके हैं। अब इसमें एक नया टर्म जो आया आपका एच आया, एच कहाँ से आया, तो एच की बात हम कर लेते हैं। एच जो है आपका क्लास इंटरवल का रेंज है, मतलब ये हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो है वो आपका क्या दिखाता है, हाइट को दिखाता है। और यू आई की बात करते हैं तो यू आई का मतलब हो गया कि आपका क्लास इंटरवल, क्लास मार्क माइनस एज्यूम्ड मीन डिवाइड बाय एच, ये आपका किसके बारे में बताता है, यू आई के बारे में बताता है। और इस तरह से ये फॉर्मूला में हम लोग पुट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, 0 टू 50 कितना फ्रीक्वेंसी है, 17 है, इसी तरह से आगे का आपका दिया हुआ है। अब हम लोग क्लास मार्क निकाल लेते हैं। क्लास मार्क में की बात करें तो 0 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 25, 75, 125, 175,
225 और आपका 275, ये आपका क्लास मार्क आ गया। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लेंगे एज्यूम्ड मीन। और एज्यूम्ड मीन कितना होगा, तो हम लोग को ऐसा डेटा लेना है जो कि आपका क्या हो जाए, आप जब सम करें, जब आप सिग्मा निकालें तो उसका वैल्यू नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो हम पहले 125 लेकर देखते हैं, अगर नेगेटिव आएगा तो आपको 175 लेना होगा। तो नॉर्मली हम लोग यही लेते हैं जिसके कारण कि नेगेटिव नहीं आए। जब भी आप एज्यूम्ड मीन लेंगे तो दोनों केस में आप क्या करेंगे, जो छोटा वाला होगा डेटा, उस डेटा को आप लोग लेंगे। तो कितना हो गया एज्यूम्ड मीन, ये हमारा हो गया ए। 25 माइनस 125 कितना हो गया, माइनस 100 डिवाइड बाई एच, एच कितना है 50 माइनस 0 कितना हो गया 50। तो ये इसका वैल्यू आ गया माइनस 2। उसी तरह से 75 माइनस 125 डिवाइड बाई 50 कितना हो गया माइनस 1, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, और यहाँ हो गया 3। ये आपका क्या आ गया, यू आई आ चुका है। अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा। सिग्मा एफ आई आपका 7, 5, 12, 3, 15, 16, 20, 0, 8, 9, 10, 6, 4, 10, 14, 2, 16, 2, 18 कितना हो गया 180। अब मल्टीप्लाई करते हैं एफ आई यू आई का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो आपका 17, 2 कितना हो गया माइनस 34, ये हो गया माइनस 35, 0, 40, 42 और 72। ये आपका टोटल कितना आ गया 6 और यहाँ 7, 13 और 72 कितना हो गया 85। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये सारा डेटा हम लोग को मिल चुका है। अब हम एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, आपका ए कितना हो गया, तो एज्यूम्ड मीन हो गया आपका 125, एज कितना हो गया 50 हो गया, सिग्मा एफ आई यू आई कितना हो गया 85 और सिग्मा एफ आई हो गया आपका 180। ये सारा डेटा आपको मिल गया। ए कहाँ से लिए हम लोग, ए लिए एज्यूम्ड मीन, एच लिए हायर लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस हो गया वो आपका एच लिए, सिग्मा एफ आई यू आई हम लोग यहां से फाइंड किए, और सिग्मा एफ आई आपका यहां से मिल गया। अब फॉर्मूला पे हम लोग पुट कर देते हैं, मीन इक्वल टू हो गया ए कितना है हम लोग का 125 प्लस एच हो गया 50 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई हो गया 85 डिवाइड बाय 180। इसका मतलब हो गया 125 प्लस 50 प्लस करीब करीब आपका होगा 1.9। इसका मतलब हो गया 175 प्लस 1.9 इक्वल टू 176.9। ये हम लोग को क्या निकल गया, मीन निकल गया। तो ये हम लोग जो मीन फाइंड किए वो कौन से मेथड से किए, स्टेप डेविएशन मेथड से है। इसमें आपको कुछ केसेस जो है वो आपको याद रखना है, जैसे कि यू आई, ये टर्म आपको याद रखना है। और यू आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच, एक्स आई हो गया आपका एज्यूम्ड मीन जो आप मानते हैं, और उसमें हमेशा कौन सा लेते हैं हम लोग, अगर बीच में दो डेटा है तो उसमें से छोटा वाला लेते हैं हम लोग। और h हो गया आपका हाइट, जो आपका क्लास इंटरवल दिया गया उसका हाइट कितना है। ये निकालने के बाद हम लोग एफ आई यू आई निकालते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं। इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, मीन जो है फाइंड करते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड तभी निकालते हैं जब आपका कैलकुलेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो या लेंथी हो। नॉर्मली होता क्या है कि एग्जाम में अगर आपको मीन पूछता है तो उसमें कुछ केसेस में, जैसे बोर्ड एग्जाम आपका आया, इसमें आपका कुछ केसेस में हो सकता है कि आपसे ये कह देगा कि स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू आप मीन निकालिए।
कुछ केसेस में आपको नहीं लिखा होता है, उसमें आपको खुद देखना है कि कौन सा मेथड यूज करें जिससे कि हमारा मीन जो है इजीली फाइंड हो जाए। उम्मीद ऐसा करता हूँ कि आपको मीन समझ में आया होगा। अगर फिर भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, कुछ केसेस में क्या होता है कि आपको मीन जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ होता है प्रॉब्लम्स में, और मीन दिया होता है और यहाँ पे कोई डेटा आपको मिस मिलेगा। तो इस केसेस में क्या करना है कि प्रोसेस सेम फॉलो करना है, लास्ट में एक आपका इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या कर देना, फॉर्मूला पे पुट करना है और आपका वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ये हम लोग मीन जो है कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगले स्लाइड में और वीडियो में हम लोग मीडियन और मोड के बारे में जानेंगे। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स होगा जिसमें नॉर्मली ज़्यादातर आप लोग को प्रॉब्लम होती है, उस तरह के प्रॉब्लम को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। थैंक यू।